राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो जी, अभी ना सुबह के 7 बज रहे हैं और ठंड बहुत ज्यादा है आज। आज तो इतना ज्यादा कोहरा है कि मतलब सब दिन से ज्यादा लग रही है, और बिल्कुल भी अभी तक मतलब रोशनी नहीं दिखाई दे रही कहीं पर भी। मैं बाहर अभी गई थी लेकिन बहुत ज्यादा ठंड है, तो बस मैंने फटाफट पूरे घर में झाड़ू लगा दी है और बाबा जी जग गए हैं, बाबा जी की घासने की आवाज आ रही है। तो बस मैं सबके लिए चाय बनाने रखा ही हूँ और अपने लिए जीरा वाटर ले आई हूँ। तो बस इसे बैठकर मैं पीऊंगी, तब तक इन सबकी चाय बन जाएगी। झाड़ू मेरी पूरे घर में लग चुकी है, तो बस पहले फटाफट से इसे पी लेते हैं, और क्योंकि ये ना मुझे गरम गरम ही अच्छा लगता है और फायदा भी गरम गरम ही करता है। तो मैं इसे बैठकर पीऊंगी और बाकी सबके लिए चाय बनाऊंगी। और माँ जी और ये तो अभी सो रहे हैं, और माँ जी गई हैं मंदिर पे, तो वो आ जाएंगी तब तक, और बाबा जी को उनको दोनों को चाय दे दूंगी, तब तक मैं इसे पी लेती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर जरा भी अच्छी लगती है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आप लोग भी पी लीजिए, बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है सच्ची, स्पेशली सर्दियों में तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है मुझे इससे पीने के बाद। मैंने तो अपने ठाकुर साहब से भी कहा है आप भी पी लो, उन्हें कोल्ड का असर रहता है ना हल्का सा, काफी टाइम हो गया उनका कोल्ड खत्म ही नहीं हो रहा है, तो मैंने उनसे भी कहा है। तो आज तो शायद बोल रहे थे कि पीऊंगा, तो जब वो पियेंगे तब उनके लिए बना दूंगी। मैंने जीरा रात को ही भिगो दिया था, जीरा और अजवाइन, आज मैंने अजवाइन और जीरे का बनाया है, कल मैंने मेथी और जीरे का बनाया था। तो मैं ऐसी थोड़ा थोड़ा चेंजेस करती रहती हूँ, कभी कुछ थोड़ा बहुत मतलब डालती रहती हूँ उसमें। तो चलिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ और आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए। तो जी यहाँ पर चाय बन रही है और गर्मा गर्म सिक रही हैं कचौड़ियाँ। तो बस सबके लिए आज खाने में ना यही बनाया था, सुबह नाश्ता समझ लीजिए या खाना समझ लीजिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी तो गर्म गर्म कचौड़ी खाने का मन था सभी का। तो चाय, चटनी और कचौड़ी ये सब बनाया है, और थोड़ी सी मैंने बाजरे की रोटी बना दी थी जैसे कि बाबा जी नहीं खाएंगे उनके लिए। बस यहाँ पर ये सब करने के बाद अब मैं सबको खाना दे दूँगी, और कचौड़ी ना बहुत ही टेस्टी लग रही थी, और गर्मी होती है तो नई चीज़ ऐसी अच्छी लगती है, लेकिन सर्दियों में तो गरम गरम ये कचौड़ी हो या आलू के पराठे वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं यहाँ पर सबके लिए लगा रही हूँ खाना, सबसे पहले तो इनको दूंगी ठाकुर साहब को, तो मैं उनके लिए ना गुड़ की चाय बना रही हूँ, गुड़ का पानी मैंने बनाकर रख लेती हूँ, और अब बस चाय छान के और कचौड़ी और चटनी दे दूँगी सबको, और उसके बाद फिर अपना किचन वगैरह की साफ़ सफाई करूँगी, बर्तन साफ़ करूँगी। बाकी सुबह का तो काम हो गया था, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है इस वक्त कि बाकी काम ना करने का मन भी नहीं करता ज़्यादा, लेकिन सर्दी में करना तो है ही काम, तो हम लोगों को तो कभी छुट्टी नहीं होती, चाहे वो संडे हो या मंडे, रोज़ करना ही करना है। तो बस आप लोग भी आ जाइए नाश्ते पर, और थोड़ा सा ना मैं मिर्च का अचार भी रखूँगी, इन्हें अचार वगैरह बहुत पसंद होते हैं, अचार मिर्च का या फिर आम का हो, इनको मतलब सब चीज़ें होनी चाहिए थाली में, तभी खाना इनको अच्छा लगता है। तो सबको खाना पीना खिला दिया था मैंने, उसके बाद फिर अपनी गैस साफ़ करूँगी, और मठा चल गया है तो उसमें से मक्खन निकालूंगी और बर्तन साफ़ करूंगी। बर्तन ना भी सुबह से मैंने साफ़ नहीं किए एक बार भी, अगर एक दो बार बर्तन सुबह साफ़ हो जाते हैं ना तो थोड़ा कम होते हैं, लेकिन इस वक्त बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए मेरे, वही था कि लाइट आई नहीं थी, तो सुबह का ठंडा पानी था ना रात का टंकी का, इसलिए नहीं साफ़ किए थे, और अब लाइट आ गई है तो टंकी में ताज़ी पानी हो गया है, तो अब सारे बर्तन साफ़ करूँगी और मक्खन निकालूंगी, उसके बाद फिर नहा धोकर तैयार होंगी, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना भी है, पहले सब सारा काम ख़त्म कर लो साफ़ सफ़ाई का और खाने पीने का, इसीलिए आज खाना थोड़ा शॉर्ट में ही रखा था कि मतलब ज़्यादा आइटम नहीं बनाए थे, और फिर चावल वगैरह मैं ठंड की वजह से आजकल बना भी नहीं रही हूँ, और दाल बच्चे सिर्फ चावल के साथ ही खाते हैं, रोटी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं खाती, इसीलिए फिर मैंने कहा चलो कुछ ऐसा बनाया जाए जो कि सब खा भी लें और थोड़ा काम भी जल्दी में हो जाए, इसीलिए फिर चटनी और कचौड़ी बना दी थी, और चाय जो कोई चाय पसंद करता था उसके लिए चाय बना दी थी। और सुबह ना आजकल ठंड की वजह से थोड़ा गले में भी दिक्कत होने लगी है हमें भी, और काम करते करते ठंड में हालत ख़राब हो जाती है।
जी खाने पीने से फ्री होके, पूरे काम से फ्री होके, और मैं हो गई हूँ तैयार क्योंकि हमें आज कहीं जाना है। तो बस मैं वहां के लिए निकल रही थी, तो सोचा पहले एक बार आप लोगों से भी मिल लेती हूँ और सबको बाय बोल देती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो का ना इसी के साथ एंड करते हैं और मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, राधे राधे सभी को।